किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल लाकर। तो किसान साथियों, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियों की अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियावन लहसुन के बारे में। हमारे एक मित्र हैं हरि सिंह जी मीणा, जो ग्राम आंवली, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष वो अपने यहाँ पर हमारे यहाँ से कुछ बीज लेकर गए थे रियावन का, 50 KG के आसपास बीज लेकर गए थे, और वो जाकर आपने अपने खेत में लगाया है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि उनके यहाँ पर जो रियावन की जो लहसुन है वो किस प्रकार से खड़ी है और क्या उसकी कंडीशन है, क्या राजगढ़ और राजगढ़ के आसपास जिलों में जो रियावन की जो लहसुन है वो सूटेबल है या नहीं है, क्या हो सकती है कि नहीं है, किस प्रकार की कंडीशन लहसुन की है, वो अपना व्यक्तिगत अनुभव जो है वो साझा करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही किसान भाइयों तक जरूर शेयर करिए। तो किसान साथियों, जो रियावन की जो लहसुन है वो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में हो रही है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और रियावन की खेती कर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले हमने बबलू जी मीणा, जो सीहोर जिले के रहने वाले थे, उनका भी वीडियो डाला था, और बहुत सारे किसान भाई हैं उनका वीडियो हम आगे भी डालने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं हरि सिंह जी मीणा का व्यक्तिगत अनुभव। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं राम राम एक हाथ से इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई शूट करने वाला नहीं मिला, अभी काम काज का टाइम चल रहा है, आप सभी तो जानते हो इस वजह से। तो मैं हरि सिंह मीणा, ग्राम आंवली, तहसील नरसिंहगढ़, जिला हमारा राजगढ़ लगता है, MP से हैं। मैं आपको थोड़ी सी रियावन लहसुन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। मैं रियावन लहसुन अपने कपिल जी धाकड़ के यहाँ से लाए थे और उन्हीं की यूट्यूब के माध्यम से आप इस वीडियो को मेरे को देख पा रहे हो, तो ये सब ही उन्हीं की देन है, वीडियो भी और लहसुन भी, और उनकी मार्गदर्शन में ये सब हो रहा है जो भी है। और मैंने 50 किलो लहसुन लाए थे हम, और बाकी किसान भी लाए थे, मैं अकेला 50 किलो लाया था, वो लगाया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। और अफसोस भी है कि 50 किलो क्यों लाए, ज़्यादा ले आते तो जो हमारे पड़ोसी किसान आज हमसे मांग रहे हैं उनकी इच्छा हम पूरी कर देते, मगर अपने कपिल भैया जी के पास काफ़ी सारा बीज रहता है, कभी कोई इच्छुक हो किसान तो वहाँ से बिल्कुल ले सकता है, और काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं वो सभी प्रकार से। जब भी आप फ़ोन लगा के कुछ भी सलाह लेना चाहते हो तो बिल्कुल वो तत्पर रहते हैं, हर अच्छे मार्गदर्शन देते हैं, कभी भ्रम में नहीं रखते हैं, बात ये है। और मेरा लहसुन है काफ़ी अच्छा है, लोग ये समझते हैं कि साहब रियावन लहसुन तो रियावन गांव में ही होता है उनके, ऐसा कुछ नहीं है, अपने यहाँ भी अच्छे से हो जाता है। और जैसी देख रेख अपन और बाकी लहसुन की हम अपन करते आ रहे हैं, वैसी देख रेख की इसमें ज़रूरत रहती है, कोई विशेष अलग से चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और आप लगाइए, ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगवाइए, कम लगाइए, मगर उसको अच्छा मैनेजमेंट करके, जैसे कि कपिल भैया अच्छा रेट लेते हैं, 18, 20, 22, 24 जो भी बिक जाता है उनका, मगर ब्रांड है वो जो अच्छा बिकता है। ये वाला प्लॉट है हमारा रियावन लहसुन का, थोड़ी जगह में लगाया था, आप देख सकते हो इसकी, ये वाला, ये इसके तने हैं, ये वाला, ऐसा कैसे प्लॉट लगा हुआ है, अच्छे से कैमरे से दिख नहीं पा रहा होगा, मगर मेरा मानना है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ये देखिए आप, अभी ये देखिए, ये ऐसे कंद बन रहे हैं, दिख रहा है कंद आपको, ये वाला ऐसा कंद है, ये तना है उसका, वो शानदार है। और अभी सिंचाई चल रही है, अभी शायद आखिरी सिंचाई ना है, ये एक सिंचाई और लगी इसमें, स्प्रिंकलर से इसमें सिंचाई चलती है, हमारे पास पानी की समस्या है, तो मैंने इसमें सभी सिंचाई स्प्रिंकलर से लगाई है। और मैं तो ये अभी तक तो मुझे ये देखने में आया कि इससे जगह सॉफ्ट रहती है थोड़ी, तो अपना कंद विकास अच्छा करता है लहसुन का, देखते हैं आगे हर साल से कैसा रिस्पॉन्स आता है इस साल सिंचाई में। इस बार ही स्प्रिंकलर विधि मैंने इस्तेमाल की है, तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है
क्या आप कुछ भी चीज़ को कम क्वांटिटी में लगाए मगर अच्छा लगाए, अच्छा पैदा करे। किसान को दो चीज़ आनी चाहिए, एक तो कमाई करना और उस अपनी चीज़ को बेचना। जागरूक किसान से जुड़ा रहना भी बहुत अच्छी बात है, उनको समय समय पे मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो मेरा बस किसान भाइयों से यही कहना है कि आप लहसुन, रियावन लहसुन को ज़रूर लगाए और अच्छा रेट ले और अपनी जीवन शैली को सही पटरी पे लाएं। मैंने इसमें कुछ अलग से नहीं किया, मगर थोड़ा सा यह है कि मैंने केमिकल के साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी कह सकते हो, आप जो भी कह सकते हो, मगर इसमें मैंने 2 बार डिकम्पोज़र चलाया है अपनी बाकी सारी लहसुन में जो भी है। और डिकम्पोज़र के साथ साथ मैंने इसमें मूंगफली की खली भी डिकम्पोस्ट करके चलाई है, तो इसके उतने ही रिजल्ट मिलते हैं किसान भाइयों जितने कि अपन को केमिकल से मिलते हैं। बहुत अच्छा एक आंखों से दिखने वाले रिजल्ट आते हैं। जैसे मैंने डिकम्पोज़र चलाया और खली चलाई तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें जो क्लोरोफिल है वो इतना शानदार आता है जैसे कि अपन ने कोई अच्छा वाला केमिकल डाला हो। तो आप, मेरी व्यक्तिगत राय है, आप करें या ना करें, मगर मेरा कहना ये है कि अपन को केमिकल के साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल भी डालना चाहिए ताकि खेती है उसका स्वास्थ्य भी सही रहे और उससे जुड़े अपन हैं सभी लोग, अपना स्वास्थ्य भी सही रहे उससे। तो समय समय पे ये करता रहना चाहिए, केमिकल अपनी जगह है और ये चीज़ें भी करते रहना चाहिए। और ये मेरा व्यक्तिगत कहना और मानना दोनों है, आप करें या ना करें। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आपने करा और आपको परिणाम नहीं मिला तो आप कहेंगे अरे नहीं सब बकवास। नहीं, बकवास कुछ नहीं है, आप उसको ठंडे दिमाग से करिए, देखिए, उसको खुद गुरु बनिए। खेती में ऐसा नहीं कि देखा देखा ज्ञान होता है, अपने अपने अनुभव भी चलता है खेती में। और ज्ञान को ऐसा है कि फैलाते रहिए, आज यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से आप फैलाते रहिए, एक दूसरे को ज्ञान देते रहिए। ये नहीं कि अपन ने जो ज्ञान ले लिया बस अपना भला और किसी का भला नहीं, नहीं ऐसा नहीं। आप जो दोगे दूसरे को वो लौट के आता है, कोई भी चीज़ हुई लौट के ज़रूर आता है। तो ये मेरा मानना है, आप सभी किसान भाइयों को, पड़ोसियों को एक दूसरे सलाह देते रहिए, जो आप केमिकल करते हो, जो ऑर्गेनिक करते हो, जो भी करते हो, आप एक दूसरे को साथ लेके चलिए, तभी अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना भला हो, सभी का भला होना चाहिए हम किसान भाइयों का। तो ये देख सकते हो आप, मेरी रियावन लहसुन लगा हुआ है, ये वाला मैं 50 kg लाया था, इस वजह से मेरा छोटी जगह में ही है, बाकी का ये अपना देसी लहसुन लगा हुआ है। ये हमारे पास पानी की थोड़ी कमी है किसान भाइयों, इस वजह से हम छोटी जगह पे लगाते हैं। और बस कहने का मतलब ये ही था कि आप लगाएं और ज़रूर इससे फ़ायदा होता है, कम क्वांटिटी में लगाएं, कम जगह में लगाएं, मगर उसको क्वालिटी को मेंटेन करिए अच्छे से। तो इससे क्या अच्छा मार्केट रेट मिलता है, अपन बहुत सारी जगह में लगा लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा हो जाता है। और क्या ना कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, ऐसा मत करो कि मतलब सभी चीज़ करो, पर सीधा सीधा बात यह है कि किसान के पास पैसे भी तो आना चाहिए, सभी दवाइयों में इसमें उसमें खर्च कर दे आप, उसको खर्च को मेंटेन सबको जोड़ कर देखिए तो आप कहाँ पहुँचते हो जिस चीज़ में। अब जैसे कि डिकम्पोजर है, बिल्कुल मतलब ये मानिए आप के 0 बजट खेती वाला सिस्टम है, उसमें क्या गुड़ लगता है, और बस अपने 200 लीटर पानी में 2 2 किलो गुड़ डाला और उसे बस 7 8 दिन में तैयार हुआ, और पानी के साथ चलाइए आप, उसमें मिट्टी की स्वास्थ्य इतना अच्छा सुधरता है कि आप भले ही लेप में चेक करा के देखिए ये और डिकम्पोजर से कंपोस्ट करके नहीं, मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरता है। वो फसलें तो होती है, फसलें तो अपनी जगह है, मगर मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधार के रखना ये बहुत ज़रूरी बात है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी चीज किसान भाइयों, आने वाले समय में हम रियावन लहसुन को जो जीआई टैग मिलने वाला है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिटेल्ड वीडियो मनीष भैया और दोनों बनाकर लेकर आने वाले हैं, और साथ में रियावन लहसुन की पहचान, उसके गुण अवगुण विशेषताएं और बाजार में ऊंचे भाव पर बिकने का कारण, सारी चीजें हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक लाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। जय जवान जय किसान।